गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स, दिस इज शिवानी कपूर एंड आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, जो 11th अक्टूबर को अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली में खेले जाने वाला है। सो 11th अक्टूबर इज माय मॉम डैड्स एनिवर्सरी, सो आई विल आल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू विश देम ऑन देयर एनिवर्सरी। दे आर गोइंग फॉर अ हॉलिडे एंड आई होप मॉम डैड यू हैव अ गुड टाइम। सो कमिंग बैक टू दिस मैच, इट इज गोइंग टू बी प्लेड ऑन वेंसडे the 11th of October on in the Arun Jaitley Stadium. बहुत swanky हो गया है ये stadium, new floodlights, new seats, new outfield, एकदम lush green दिख रहा है। तो मैं ये match live देखने जा रही हूँ stadium में। मेरे पास tickets है, मैंने book my show में पता नहीं कैसे book भी करवा ली अपनी tickets, मेरा कुछ luck चल गया था उस दिन। So I am going to go and watch this match live and I'm going to give you live feed from there कि वहाँ क्या चल रहा है, क्या माहौल है, क्या होने वाला है। सो ये मैच दिल्ली में खेले जाने वाला है। दिल्ली का टेम्परेचर काफ़ी इक्वेबल है, 30 डिग्रीज के अराउंड, 30-32 डिग्रीज, ज़्यादा गर्मी नहीं है। थोड़ा इनिशियली मे बी अराउंड 2 o'clock to 4 o'clock हल्का हल्का यू नो ह्यूमिडिटी एंड हीट हो सकती है, बट आफ्टर 4-4:30 इट गेट्स वेरी प्लेजेंट। सो आई डोंट थिंक हमारे प्लेयर्स को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। दे विल बी यू नो कमिंग आउट ऑफ अ यूफोरिक विक्ट्री फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियंस ऑन संडे एंड यू नो आई जस्ट होप कि इतने यूफोरिया के बाद थोड़ा सा यू नो हल्के ना ले लें वो, बिकॉज अफगानिस्तान एक थोड़ी सी लेसर कंपेटिटिव साइड है, तो थोड़ा सा नॉन सीरियस ना ले लें कि यार ये मैच तो दी ही जाएंगे और फिर फील्ड में कुछ गड़बड़ हो जाए। तो आई जस्ट होप थोड़ी सी कंप्लेसेंसी या लथार्जी ना नहीं आए एंड हमारे प्लेयर्स एकदम डिटर्मिंड रहे, फोकस रहे। वैसे तो मैं फील्ड में वहाँ होंगी, अगर मुझे कंप्लेसेंसी दिखी तो मैंने जोर से वहीं से आवाज लगा देनी है फील्ड से कि भाई गेट इन लाइन, गेट इन ऑर्डर, वी हैव टू विन दिस मैच, इट्स अ मस्ट विन मैच फॉर अस। सो एवरी मैच इज अ मस्ट विन एंड हमें जीतना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें सेमीफाइनल में अपनी जगह सिक्योर करनी है एंड बाकी जो टीम्स हैं वो बड़े बड़े मार्जिन्स के साथ जीत रही हैं। सो उनके रन रेट्स कोई के 1.6 2.0 ऐसे रन चले गए हैं, हमारा सिर्फ 0.8 है, बिकॉज हमने टफ टीम के अगेंस्ट यू नो मैच जीता है। तो हमें भी अब अपना रन रेट एक वीक टीम के अगेंस्ट अपने अपना रन रेट स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि अगर एंड में रन रेट पे कुछ भी बात अड़ती है तो हम कहीं पीछे ना रह जाए। सो यू नो दैट इज इट एंड And India here is winning this match most definitely. I am at the stadium. I will not let India lose by any way. So Naveen ul Haq and Virat Kohli are going to come face to face. So dekha jayega ki Naveen ul Haq ko wo field karte hain ya nahi karte hain apne playing 11 mein, kyunki agar wo aa gaye to wo bahut pitne wale hain, na hi Virat Kohli se but sab se, you know, to sare jud jayenge aur unko peetne ke chakkar mein. To ye bhi ho sakta hai ki you know Afghanistan unko ye match ki opportunity khelne ke liye bahar bench कर दे, नहीं दे उनको ये अपॉर्चुनिटी, बिकॉज लास्ट मैच में जब वो धर्मशाला में थे तो वहां जो जब भी वो बाउंड्री की तरफ जा रहे थे सारा क्राउड वहां कोहली 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 के चांट्स कर रहा था। तो नवीन उल हक को थोड़ी परेशानी हो रही थी और दिल्ली में तो ये चीज और होने वाली है। सो आई एम अ लिटिल डाउटफुल वेदर नवीन उल हक विल गेट अ यू नो प्लेन टुमारो और नॉट। वैसे हम तो चाहते हैं मिले एंड हम चाहते हैं हम उनको अच्छे से पीटे, तो यू नो दैट वील कम टू नो व्हेन द प्लेइंग 11 is announced. So it is a batting paradise. जैसे हमने साउथ अफ्रीका का मैच देखा, उन्होंने 400 प्लस रन्स बना दिए दिल्ली के विकेट में, जो अनहर्ड है। आई मीन जब मैंने उस वीडियो का प्रीव्यू किया था तो मैंने ये बोला था कि भाई स्लो विकेट होती है, ज़्यादा रन नहीं बनते, स्पिनर्स विकेट ले लेते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा सारा प्रीव्यू था वो बेकार हो गया। साउथ अफ्रीका केम इन डिकॉक, then Dusen and then you know Markram was crazy, he made 49 balls mein unhone century maar di thi, fastest century ho gayi world cup ki। so you know unhone sare myths Delhi wicket ke shatter kar diye and 428 runs board pe laga diye on a Delhi wicket, matlab which is just unheard of। so abhi main ab nahi bolungi ki Delhi ki wicket slow hai, because 428 runs to slow wicket mein nahi lagte hai, usme jaise Chennai में 199 रन
रन्स लगे थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, उतने ही रन लगते हैं अगर विकेट स्लो हो तो. सो एनी वे वी एक्सपेक्ट अ बैटिंग विकेट. थोड़ा ग्राउंड छोटा है तो हाई स्कोरिंग होगा. सो आई थिंक देर शुड बी अ रन फेस्ट. और अगर यार इंडिया पहले बैटिंग कर ले ना तो बस मज़ा ही आ जाए. एक तो सेंचुरीज दिखने को मिल जाए. आई थिंक शुभमन गिल नहीं खेलेंगे कल. वो ट्राई करेंगे कि वो पाकिस्तान की मैच तक वो फिट हो जाए, उनका डेंगू से वो रिकवर हो जाए. डाउटफुल है बिकॉज डेंगू से स्टैमिना बहुत डाउन चला जाता है एंड यू नो रिकवरी में काफ़ी टाइम लगता है. इट्स नॉट लाइक कोविड कि जल्दी आप रिकवर कर जाते हैं. उसमें प्लेटलेट्स का इशू होता है एंड यू नो वीकनेस का बहुत इशू होता है. सो आई जस्ट होप कि अगर आप अभी भी अनफिट हैं तो आप अभी रेस्ट कर लिए, पर पाकिस्तान के मैच के में किसी तरह कुछ मिरेकल हो जाए एंड शुभमन गिल वापस आ जाए. बिकॉज कल तो हमने देख लिया कि यू नो इंडिया का ईशान किशन ने जब ओपन किया एंड फिर रोहित शर्मा फिर श्रेयस अय्यर 0-0 and 0 हो गया. ऐसा नाइटमेयर हम दोबारा नहीं रिलिव कर सकते. एक बारी न्यूजीलैंड के साथ हुआ था, इंडिया वो 5-3 एंड अब ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, इंडिया वो 2-3. सो दे इवन वर्सनड दैट रिकॉर्ड ऑफ 5-3 विच हैपन्ड अगेंस्ट द कीवीज एंड इस टाइम वो 2-3 पे पहुंच गए थे. सो ये बहुत ही ज़्यादा यू नो खतरनाक बात है इंडियन फैंस के लिए, टीम के लिए, इंडियन स्पोर्ट के लिए, क्रिकेट के लिए. इंडिया का टॉप ऑर्डर ऐसे कोलैप्स नहीं होना चाहिए एंड रोहित शर्मा को थोड़ा सोचना पड़ेगा. ईशान किशन तो भाई उसको तो डंडे से मारना पड़ेगा एंड श्रेयस अय्यर तो अपना कॉलर डाउन करे और अपना हेड डाउन करे और प्लीज़ हवा में बॉल मत मार यार, डाउन नीचे के मार. ऑलरेडी 2 zeros हो चुके हैं तो अपना 3rd zero लगा के चला गया. विराट कोहली गेव हिम सच अ डेडली स्टेयर कि भाई तूने क्या किया इस चीज़ के लिए. सो हम ऐसी सिचुएशन नहीं चाहते हैं. सो गिल साहब आप प्लीज़ ठीक हो जाइए एंड आप जल्दी से वापस आ जाइए क्योंकि हमारा टॉप ऑर्डर थोड़ा लड़खड़ा रहा है आपके बिना. सो पर अफगानिस्तान में शायद वो नहीं आएंगे तो अफगानिस्तान के मैच में तो हमें इन्हीं लोगों से यू नो मेक डू करना पड़ेगा एंड आई जस्ट होप कि इस टाइम टॉप ऑर्डर का वो हाल ना हो, वरना ग्राउंड में बैठे बैठे तो पूरी हालत होने वाली है. सो एनीवे If I talk about the squads, then India has Rohit Sharma, Hardik Pandya, Shubman Gill, I don't know whether he's play or not, Virat Kohli, Shreyas Iyer, KL Rahul, he did very well against the Australians, inki century reh gayi, humse zyada to ye khud hi disappointed the, dekh rahe the ki ball six kaise chali gayi, maine to chauka mara tha. Anyway, Ravindra Jadeja, Shardul Thakur, Bumrah, Siraj, Kuldeep, Shami, Ravichandar Ashwin, he was very good as well, Ishan Kishan and सूर्य कुमार यादव. तो क्या सूर्य कुमार यादव को चांस मिल सकता है? क्या मैं उनकी बैटिंग लाइव देख के कुछ रैंप शॉट्स देख सकती हूँ? सो आई एम वेरी कीन दैट सूर्य कुमार यादव प्लेज टुमारो, आई मीन द मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी हिम हिट सम ग्रेट इनोवेटिव शॉट्स एंड यू नो ही इज़ गुड फॉर द टीम. मे बी श्रेयस अय्यर को यू जस्ट कैन यू नो एक मैच के लिए थोड़ा पनिशमेंट दे दो इतना गंदा शॉट देने के लिए एंड सूर्य भाई को अंदर ले तो मजे ही आ जाएंगे. अफगानिस्तान की तरफ से हशमतुल्ला शहीदी कैप्टन है, गुरबाज, जादरान, रहमत शाह, हसन जादरान, नजीबुल्ला जादरान, देन मोहम्मद नाबी इनके कैप्टन है, एक्स कैप्टन, देन अली खिल, देन उमर जई, राशिद खान ये तो ज़रूर खेलेंगे, मुजीब इनको चोट लगने वाली थी पिछले मैच में आउटफील्ड की वजह से, नूर अहमद वेरी स्वीट बट ही इज़ नॉट गेटिंग अ चांस टू प्ले, ये डेडली हो सकते हैं स्पिनिंग विकेट पे, फारूकी वेरी गुड विद द न्यू बॉल, देन अब्दुल रहमान एंड नवीन उल हक. तो भाई नवीन उल हक आ जाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा. सो एनीवे ड्रीम 11 पिक्स जो होंगे मेरे वो हैं विराट, डेफिनेटली विराट, देन रोहित, श्रेयस, ईशान आई हैड टू पुट इन, बट अगर उनकी जगह यू नो गिल तो नहीं आएंगे बट स्काई आ जाए तो मज़ा ही आ जाए, बुमराह, कुलदीप, राहुल ये मेरे इंडियंस हैं, देन फ्रॉम अफगानिस्तान आई हैव पुट गुरबाज, राशिद खान, फारूकी एंड नवीन उल हक. तो मैंने नवीन उल हक इसीलिए रखा है बिकॉज अगर वह खेलते हैं
तो इनको बहुत मार पड़ने वाली है इंडियंस से, और मार पड़ते पड़ते ही ये विकेट्स ले सकते हैं. सो एनी बॉलर विच हु गेट्स हिट अ लॉट हैज़ मोर चांसेस एक्चुअली ऑफ टेकिंग मोर विकेट्स, बिकॉज प्लेयर्स उस पर रिस्क लेते हैं. अगर आप किसी भी बॉलर को यू नो टेक ऑन नहीं करते हो, उनको चार्ज नहीं करते हो, तो आप उनको विकेट्स भी आपको उनको देने के कम चांसेस रहते हैं. बट इफ नवीन उल हक प्लेज देन देर इज मोर ऑफ अ चांस दैट द इंडियंस टेक हिम ऑन, एंड देन एज अ रिजल्ट देर इज मोर ऑफ अ चांस दैट ही माइट टेक मोर नंबर ऑफ विकेट्स. सो दैट ऑल विल डिपेंड ऑन द प्लेइंग 11 दैट इज अनाउंस्ड, एंड आई एम गोइंग टू बी देयर अगेन. आई एम रिपीटिंग, आई एम गोइंग टू बी देयर वॉचिंग द मैच लाइव. आई विल गिव यू रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम द ग्राउंड एंड यू नो हाउ मच एवर कवरेज इज अलाउड, बिकॉज वहाँ स्ट्रेट कवरेज देनी अलाउड नहीं है. जितनी हो सकेगी पॉसिबल वो मैं दूंगी. मैं फोटोग्राफ्स भी कम्युनिटी में अपडेट करूंगी, एंड आप उसको लाइक करना, कमेंट करना, और आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो जरूर कमेंट्स में पूछना. सो इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन सो, प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड यू नो दैट विल हेल्प यू अ लॉट. एंड यू नो इफ यू हैव एनी कमेंट्स रिगार्डिंग द प्लेइंग 11 और द ड्रीम 11 और द और इन दिल्ली, और इफ यू आर गोइंग टू सी द मैच एंड यू वांट टू कम एंड मीट मी देयर, इवन दैट पॉसिबिलिटी, देन यू कैन ड्रॉप द इन द कमेंट्स बिलो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून.